बिहार पर देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा का खतरा, गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया अलर्ट। गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा त्योहारों के दौरान धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा धार्मिक स्थलों पर खास निगरानी रखी जाए, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो। गृह मंत्रालय ने यूपी को खास तौर पर किया सावधान, सहारनपुर जैसे शहरों में खास सुरक्षा बरतने की सलाह। यूपी समेत देश के कई शहरों में गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली मुंबई समेत 10 शहरों को सतर्क किया गया। विधायक दल की बैठक में बोले शरद पवार, महाराष्ट्र के विकास और स्थिरता के लिए किया बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान। पवार ने कहा किसी को बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में दो विकल्प थे, पहला बीजेपी की सरकार का समर्थन, दूसरा शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना। पवार बोले कांग्रेस के साथ अब जाने का मतलब नहीं था, लिहाजा बीजेपी के समर्थन का फैसला किया। अजीत पवार ने कहा बीजेपी ने हमसे नहीं मांगा था समर्थन, कहा हमने स्थिर सरकार के लिए बाहर से समर्थन का फैसला किया, समर्थन लेना ना लेना बीजेपी जाने। जवाब का सवाल ही नहीं उठता ना, हमने बाहर से सपोर्ट दिया है। पवार साहब ने आज भी बताते क्या बताया उन्होंने, हमारी जो विचारधारा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हम रहने वाले हैं। बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है शिवसेना, अखंड महाराष्ट्र और विकास के मुद्दे के साथ ही सत्य। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा अब कल जाएंगे मुंबई, पहले आज का तय था कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को है शिवसेना के फैसले का इंतजार, बिना शक समर्थन चाहती है बीजेपी। मुंबई की बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज नहीं चुना गया दल का नेता, पर्यवेक्षक की मौजूदगी में कल होगा फैसला। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के से घर जाकर मिले अमित शाह और जगदीश मुखी, महाराष्ट्र के ताजा समीकरण पर की चर्चा। मुंबई में बीजेपी ने महाराष्ट्र की जीत का विजय उत्सव मनाया, ओम माथुर का पारंपरिक अंदाज में स्वागत, विधायक सांसद और तमाम पदाधिकारी हुए शामिल। शिवसेना की विधायक दल की बैठक खत्म, विधायकों ने उद्धव ठाकरे पर छोड़ा नेता का चयन का फैसला, उद्धव ने कहा हर स्थिति के लिए तैयार रहे विधायक। संजय राउत ने कहा जनता को धन्यवाद, ज्ञापन और नेता के चयन के लिए ही बैठक थी। बीजेपी के समर्थन पर नहीं हुई चर्चा, बोले सब कुछ वक्त आने पर बताया जाएगा। मुंबई में एनसीपी ने की विधायक दल की बैठक, अजीत पवार को चुना गया विधायक दल का नेता। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर सामना में शिवसेना की प्रतिक्रिया, किसी को नहीं मिला जनादेश। शिवसेना ने सामना में लिखा पीएम समेत पूरी सरकार ने लगा दी थी अपनी ताकत, शेर की तरह किया मुकाबला। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विधायक सांसद थे महाराष्ट्र में खूंटा गाड़े, कांग्रेस और एनसीपी भी थे खिलाफ, अकेले अपने दम पर लड़ी शिवसेना, जिस तरह का नतीजा शिवसेना को जनता ने दिया है वो तो सम्मानजनक। गठबंधन टूटने को लेकर सामना में जिक्र, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस एनसीपी को बड़ा फायदा, गठबंधन होता तो 25 तक नहीं पहुंच पाती कांग्रेस एनसीपी। बीजेपी में कई सीएम पद के दावेदार, पंकजा मुंडे और एकनाथ खड़से खुलेआम जता चुके हैं सीएम पद की इच्छा। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे चर्चित नाम महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का, इन्हें संघ का समर्थन भी हासिल। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम भी रेस में आगे, सियासी विरासत के साथ पिछड़े वर्ग का चेहरा। मुख्यमंत्री पद के लिए विनोद तावड़े का नाम भी है सुर्खियों में, बीजेपी के शहरी चेहरे के रूप में पहचान। जीत के बाद बीती रात दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक, प्रधानमंत्री भी थे शामिल, नतीजों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक करनाल से विधानसभा चुनाव जीते मनोहर लाल खट्टर होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, अमित शाह गडकरी जगदीश मुखी ने चर्चा कर लिया फैसला, शाह ने कल खट्टर को बुलवा भेजा था।
हरियाणा में विधायक दल की बैठक से पहले छिड़ा सीएम पद का झगड़ा, पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह ने जताई सीएम पद की इच्छा। वीरेंद्र सिंह ने कहा सीएम पद की उम्मीद करने में हर्ज कैसा, बोले बीजेपी स्थायित्व चाहती होगी तो सोच समझ कर करेगी फैसला। उम्मीद तो हर आदमी को करनी चाहिए जो राजनीति में है, लेकिन ये फैसले आपको भी पता हमारे को भी पता, जो सेंट्रल लीडरशिप होती है वो नेतृत्व करता है। वीरेंद्र सिंह की पत्नी और उचाना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाली प्रेमलता ने भी किया पति का समर्थन, कहा वीरेंद्र को मिला सीएम का मौका तो एक सेकंड में खाली कर देंगे उचाना की सीट। बीजेपी नेता और रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के घर जुटे हरियाणा के कई विधायक, इंद्रजीत ने जीत में खुद का रोल बताया अहम, कहा स्टार प्रचारकों को मैं भी था शुमार। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा करीब 25 सीटों पर किया प्रचार, ज्यादातर सीटें जीती बीजेपी, बोले कई लोगों ने कहा मैंने किया दौरा इसलिए वो जीते। वो भी ये चाहते हैं कि विकास जैसे रोहतक के अंदर हुआ है सो हमारे यहाँ पर भी हो, इसी सूरत के अंदर शायद वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन फैसला भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व के तौर पे वो फैसला करेंगे और एमएलए से पूछताछ करने के उपरांत करेंगे। अगर हरियाणा के सीएम उम्मीदवारी पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा जाति के आधार पर नहीं बटी है बीजेपी, संसदीय बोर्ड करेगा सीएम का फैसला। विचारधारा, हमारी जो आइडियोलॉजी और हमारा जो स्पष्ट कहना यह है कि हम किसी जाति पाति विश्वास नहीं रखते। पूर्व की सब पार्टियों ने हरियाणा की जनता को जातियों में बांट के रखा है। सामना के संपादकीय पर बीजेपी का जवाब, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा हारने के लिए नहीं लड़ रहे थे चुनाव, जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने में हर्ज ही क्या है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फिर दोहराया, कहा नहीं हूं महाराष्ट्र के सीएम की रेस में, दिल्ली के कामकाज से हूं संतुष्ट। मैं 10 बार बता चुका हूं कि मैं रेस में नहीं हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक जारी, बैठक के बाद डिनर का आयोजन, आज होने वाली कैबिनेट बैठक टली, अब 27 अक्टूबर को होगी बैठक। दिल्ली में हुई कांग्रेस महासचिवों की बैठक, पार्टी के चुनाव प्राधिकरण का गठन था मुद्दा, 2015 में होना था प्राधिकरण का चुनाव, 28 तारीख को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की होगी बैठक। जनार्दन द्विवेदी ने बोला बैठक में हार पर नहीं हुई चर्चा, कहा पहले से तय था पार्टी का प्राधिकरण पर चर्चा का मुद्दा। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने फिर की मांग, बिहार को जल्द मिले विशेष राज्य का दर्जा, मांग को लेकर गांधी मैदान में महाधरने पर बैठे नीतीश। जेडीयू अध्यक्ष विशिष्ट नारायण सिंह ने कहा अगले साल विधानसभा चुनाव में विशेष राज्य के दर्जे को जेडीयू बनाएगी मुद्दा। नीतीश कुमार ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा हरियाणा महाराष्ट्र की जीत पर ना करे गुमान, 1994 में राजीव गांधी ने 400 सीटें जीती थी, बाद में क्या हुआ। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया मुद्दा। कोलकाता के मॉमडन स्पोर्टिंग क्लब ने खुद को दिवालिया घोषित किया, देश के सबसे पुराने स्पोर्टिंग क्लब में शुमार है मॉमडन स्पोर्टिंग क्लब। 1891 में बना था मॉमडन स्पोर्टिंग क्लब, पिछले 3 महीने से कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा था वेतन। एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, डॉक्टरों को बांटी डिग्री। दीक्षांत समारोह संस्थान की दीक्षा का होता है आखिरी मौका, बोले तरक्की के बाद गरीबों के साथ वक्त बिताने और दूर दराज इलाकों में सेवार्थ जाने को जरूर सोचें। पीएम मोदी ने डॉक्टरों को दिया सुझाव, कहा बीमारी से नहीं बीमार से जुड़े तो दोनों का होगा भला। पीएम ने कहा दुनिया में क्या हो रहा है इस पर भी रखे नजर, बोले विदेशों में ऑरा साइंस पर हो रही है रिसर्च, आभा मंडल से बीमारियों का पता लगाने की कोशिश। एम्स के डॉक्टरों ने पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन को सराहा, कहा स्वच्छ रहने के से कम घिरेगी बीमारियां।
आंध्र प्रदेश के बाद हुदहुद की तबाही का जायजा लेने ओडिशा पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ितों के घर जाकर जाना हाल। पीड़ितों को मिली राहत राशि संतुष्ट नहीं, राहुल गांधी कहा उड़ीसा की सरकार पर डालेंगे दबाव। सरकार का काम है तो उन पर दबाव डालेंगे, मगर हम यहाँ इनके साथ इनके दुख में खड़े होने आए हैं। धन्यवाद। धौलाकुआ गैंगरेप केस में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा, दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने गैंगरेप के सभी